Hello everybody, how are you all? Welcome once again to my channel Krishna Singhdev. Today we are doing here for class 11 journal entries. We have already finished 2-3 classes for journal entries, and in today's class we are going to see journal entries related to sales. I hope you have seen all my previous videos. In case you have missed any of the previous videos, the link will be given to you in the description, and in the I button also I will give you the link for playlist. Okay, let's get started for today's work. Today we are going to do journal entries which are related to sales. If you have attended my previous sessions, you must be knowing that how I'm teaching journal entries chapter for you. Through you, I'm teaching journal entry chapter through various concepts. मतलब मैंने पूरे chapter को क्या किया है? I have divided the entire chapter into various concepts, and each concept wise मैं आपको journal entry सिखा रही हूँ. Instead of doing through a traditional method कि मैं आपको पहले बहुत सारी journal entries बताऊँ, हो सकता है कई बार students को उसमें से journal entries याद नहीं रहती है क्योंकि इतनी सारी journal entries एक साथ सिखा दी जाती है. तो मैं यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाती हूँ, मैंने हर एक journal entry को एक class में डिवाइड कर दिया है. जैसे परचेस से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को परचेस रिलेटेड जर्नल एंट्रीज में डाल दिया है, सेल्स से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को सेल्स से यू नो रिलेटेड जर्नल एंट्रीज एक साथ पढ़ा दूंगी, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू की अलग से पढ़ा दूंगी, एंड कैपिटल रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पढ़ा दूंगी. तो मोटा मोटा आपका सारी जर्नल एंट्रीज यहाँ से कवर हो जाएंगी, एंड लास्ट में हम जो भी बचा रहेगा अदर्स के कॉन्सेप्ट में डालकर उन जर्नल एंट्रीज को भी सीख लेंगे. आई होप इन दिस वे यू विल बी एबल टू लर्न जर्नल एंट्रीज फास्टर और आपको रिलेट करना भी आसान होगा. चलिए तो आज हम लोग कर रहे हैं सेल्स रिलेटेड जर्नल एंट्रीज. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. यहाँ पर देखिए हमने सेल्स से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को दो कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट है कैश सेल्स एंड दूसरा है क्रेडिट सेल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश सेल्स? कैश सेल्स मतलब हमने गुड्स सेल किया टू अवर डेटर्स और टू द क्लाइंट्स, और जैसे ही हमने सेल किया उन लोगों ने क्या कर दिया, उन्होंने तुरंत इमीडिएटली कैश का पेमेंट कर दिया. सो व्हेन एवर इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश इज बीइंग रिसीव, दिस इज कॉल्ड आपका क्रेडिट सॉरी कैश सेल्स, जहां पर आपको कैश तुरंत मिल जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप सेल तो कर देते हैं, गुड्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड, गुड्स आर बीइंग सोल्ड, बट आपके क्लाइंट ने आपके कस्टमर्स ने आपको अभी तक पेमेंट नहीं किया है. ऑन सम फ्यूचर डेट दे हैव प्रॉमिस टू मेक यू द पेमेंट. व्हाट इज दैट फ्यूचर डेट? वो 15 दिन बाद हो सकती है, 1 महीने बाद हो सकती है, 2 महीने बाद हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिसेस डन बाय द बिजनेस. ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या जनरेट करते हैं, हम एक दूसरे तरीके की एसेट जनरेट करते हैं. कैश ना जनरेट करके हम लोग क्या करते हैं, डेटर्स जनरेट करते हैं. ये जो डेटर्स हैं ये आपको फ्यूचर में कुछ दिनों के बाद कैश का पेमेंट करेंगे. दोनों ही तरीके की सेल्स ऑन द डे ऑफ सेल्स रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि याद रखिए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर में आपने पढ़ा है कि हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रखते हैं एक्यूरल बेसिस, ना कि कैश बेसिस. अगर कैश बेसिस पे अकाउंटिंग की जाएगी तो ओनली कैश सेल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन हम कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं सीख रहे हैं, हम एक्यूरल बेसिस पे अकाउंटिंग सीख रहे हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी विल हैव टू रिकॉर्ड द सेल्स ऑन द डे ऑफ सेल इटसेल्फ, whether it is cash sales, it has generated cash or it has generated debtors, both is to be recorded. ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर लिख के बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ. लेट से गुड सोल टू, आप इसको मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, गुड सोल टू लेट से आर फॉर कैश ₹10,000. एक बात याद रखिए बच्चों, जब भी आप गुड सेल करेंगे किसी पर्सन को और कैश के लिए सेल करेंगे, तब दैट पर्सन नेम बिकम्स कंप्लीटली इररिलेवेंट फॉर यू. रीजन इज दैट क्योंकि कैश आ गया है. ओके, तो आप कैश की तरफ ही ध्यान देंगे, नेम ऑफ दैट पर्सन बिकम्स इररिलेवेंट, क्योंकि हमें उसका नाम तो तब लिखना होता है जबकि उसे हमें अपनी बुक में डेटर बनाना है. इन दिस केस दैट दिस पर्सन आर नीड नॉट टू बी मेड डेटर बिकॉज ही हैज मेड द इमीडिएट पेमेंट. आप फॉर्मेट में ही जर्नल एंट्री करेंगे, अभी आपको समझाने के पर्पस से मैं यहाँ पर जर्नल एंट्री ऐसे ही लिख दूंगी. फॉर्मेट में जर्नल एंट्री कैसे होती है, आपका जो 5 कॉलम का फॉर्मेट है, पहला कॉलम जिसका होता है डेट, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम होता है आपका LF कॉलम, एंड देन 2 कॉलम और आते हैं आपके पास डेबिट कैश का और क्रेडिट कैश का, अमाउंट के 2 कॉलम बनते हैं. इसी फॉर्मेट में हमेशा आपको जर्नल एंट्री करनी होती है. ऑन द टॉप यू हैव टू राइट ऑल्सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जो भी प्रॉपर
राइटर का नाम दिया होता है। अभी हम पर्पस नहीं हमारा है वो फॉर्मेट लर्न करना, वो हमने लास्ट क्लास में किया था। अभी मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री बता रही हूँ। तो इसको जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो आपने कैश को रिसीव किया एंड कैश अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट। और एसेट अकाउंट का रूल याद रखो बच्चों, एसेट अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द इंक्रीजेस। सो क्या कैश इंक्रीज हुआ है? यस, कैश हैज बीन इंक्रीज बिकॉज ऑफ द सेल्स। देन सेल्स क्या है? सेल्स इज अ रेवेन्यू अकाउंट। सेल्स क्या कर रहा है? आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है तो उसे भी हमें क्या करना है, उसे हमें क्रेडिट करना है। अब हमें रेवेन्यू अकाउंट का रूल लगाना है। और मैंने आपको जो ग्रुप 2 बताया था उसमें बताया था कि रेवेन्यू अकाउंट का जो रूल होता है वो लाइबिलिटी अकाउंट का जो रूल होता है वो और कैपिटल अकाउंट का जो रूल होता है वो तीनों एक तरीके के चलते हैं। तो वहां पर आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड एनी काइंड ऑफ इंक्रीज। और अगर डेबिट में लिखेंगे तो एनी काइंड ऑफ डिक्रीज विल बी रिटर्न। तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू सेल्स अकाउंट। और ये 10,000 रुपीज मैं कहाँ लिख रही हूँ, क्रेडिट साइड में लिख रही हूँ। याद रखो मोस्टली सेल इज बीइंग क्रेडिटेड। यहाँ पे परचेजेस की तरह हमें एक्सेप्शन बहुत ही रेयर दिखाई देंगे, होंगे नहीं क्योंकि इसीलिए मैं आपको पढ़ा भी नहीं रही हूँ। 11th के लेवल पे उतना ज्यादा कभी आता नहीं है कि सेल्स क्रेडिट का आपको कोई ट्रांजेक्शन दिखा दिया जाए। यस, परचेजेस के तो हैं, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, मैंने आपको बताया था। चलिए देन गोइंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक क्रेडिट सेल का एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड, सोल्ड गुड्स टू, आर फिर से लिख लेती हूँ, ऑफ वर्थ रुपीज 5,000। अब देखो इस ट्रांजेक्शन में क्या डिफरेंस है। अगर मैंने लिखा सोल्ड गुड्स टू आर वर्थ रुपीज 5,000, नो वेयर इट इज मेंशन दैट दिस पर्सन आर हैज रिटर्न्ड गिवन इन रिटर्न गिवन मनी टू अस। तो मतलब हम क्या अज्यूम करेंगे, जब भी किसी पर्सन का नाम आ जाएगा आप हमेशा यही अज्यूम करेंगे कि अगर इसने इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश नहीं किया इसका मतलब दिस इज अ क्रेडिट सेल्स। ओके, तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होगी, याद रखो रेवेन्यू तो दोनों ही केसेस में इंक्रीज हो रहा है, भले ही वो कैश सेल से या क्रेडिट सेल से। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सेल्स तो वैसा का वैसा आएगा जैसे कि कैश सेल्स में आया था, टू सेल्स यहाँ पर 5,000 आएगा। लेकिन डेबिट साइड में आपको क्या लिखना है, हैव यू रिसीव्ड द कैश, इज योर एसेट इंक्रीजिंग। एसेट इज इंक्रीजिंग लेकिन कैश नहीं इंक्रीज हो रहा है, मतलब एसेट का एक दूसरा नाम जो है यहाँ पे कौन सी एसेट, डेटर। क्यों इसे डेटर बोलते हैं, याद करो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ा था, डेटर इज द पर्सन हु हैज टू पे समथिंग, हु ओज अस टू समथिंग। ओके, ये आर हमें ओ करता है, यस, क्योंकि आज हम इसे क्रेडिट पे बेच रहे हैं, हम इसे डोनेट नहीं कर रहे हैं गुड्स, ही हैज टू पे अस इन द फ्यूचर। सो हम क्या करेंगे, हम आर्स अकाउंट को करेंगे, आर्स अकाउंट डेबिट करेंगे। और कितने अमाउंट से, वही 5,000 रुपीज से आर का अमाउंट डेबिट किया जाएगा, आर का अकाउंट डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेल्स की एंट्रीज। दो एंट्रीज है सेल्स की, एक हो सकती है कैश सेल्स की एंट्री और दूसरी हो सकती है क्रेडिट सेल्स की एंट्री। याद रखिए अगर कैश सेल्स के साथ किसी पर्सन का नाम वहां पर जोड़ा गया है तो दैट नेम बिकम्स कंप्लीटली इररिलेवेंट बिकॉज द कैश इज कमिंग टू यू। और दूसरा केस, अगर आपको किसी पर्सन को सेल करने के लिए बोला गया है गुड्स, कितने इतने इतने गुड्स इसी पर्सन को सेल कर दिए हैं लेकिन ये नहीं बताया कि उसने कैश दिया, देन इट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी क्रेडिट सेल्स। अच्छा, अब मैं सेल्स के साथ ही साथ एक और एंट्री आपको बता रही हूँ, दैट इज एंट्री ऑफ सेल्स रिटर्न। ये मुझे परचेस के टाइम में भी बताना चाहिए था, मैंने परचेस के टाइम में आपको बताया नहीं, अभी बता देती हूँ। सेल्स रिटर्न की एंट्रीज क्या होती है और परचेस रिटर्न की एंट्रीज क्या होती है। ओके, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न क्या होता है बच्चों, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न मैंने आपको जब बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ाया था तभी भी आपको बताया था कि सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का मतलब है, सबसे पहले सेल्स रिटर्न देखते हैं, हमने गुड सेल कर दिए, जैसे इसी एग्जाम्पल में हमने आर को कुछ गुड सेल किए थे। अब आर को जो गुड सेल किए हैं हो सकता है वो गुड्स रास्ते में ऑन ट्रांजिट कुछ ब्रेक हो गए हों या फिर डैमेज हो गए हों, ठीक है, या फिर एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं हो। आर ने जिस क्वालिटी की गुड्स हमको भेजा था, बोला था, हमने उससे हाई क्वालिटी या लो क्वालिटी के गुड्स भेज दिए, या फिर क्वान्टिटी वाइज गड़बड़ हो गई, क्वान्टिटी वाइज गड़बड़ हो गई, सपोज 500 आर्टिकल्स मांगे थे, हमने 550 भेज दिए, तो ये क्या करेगा, ये
ये हमें सारे जो वापस कर देगा गुड्स जो कि डिफेक्टिव हैं या फिर ज्यादा बेच दिए गए हैं या फिर कोई भी और रीजन है, तो उनको हमें रिटर्न करेगा। जब रिटर्न करेगा तो ऐसी रिटर्न को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ओके, अब सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी? अब देखो, मैंने आपको बोला था कि सेल्स बहुत कम ही जगह पर आपको डेबिट में दिखाई देगा। ओके, इसकी रिवर्स एंट्री बहुत कम ही जगह पर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर सेल्स को तो हम डेबिट में नहीं लिखते, सेल्स की साथ में एक वर्ड ऐड कर देते हैं, वो क्या है? सेल्स रिटर्न। ओके, सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट। और क्रेडिट में क्या जाएगा फिर? क्रेडिट में आपकी एक एसेट रिड्यूस हो रही है। कौन सी एसेट रिड्यूस हो रही है? वो डेटर जिसको आपने अमाउंट सेल किया था, तो हम उसका नाम लिख देते हैं, लेट्स से आर्स अकाउंट। ओके, तो आर्स अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि आर इज दैट पर्सन हु इज रिटर्निंग इट टू अस। ऑब्वियसली दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू पे अस दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। लेट्स से जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में 5,000 रुपीज के गुड्स उसको सेल किए थे, लेट्स से वो 500 रुपीज के गुड्स रिटर्न कर देता है, सो इन फ्यूचर ही इज लाइबल टू पे अस ओनली 4,500, नॉट 5,000 रुपीज। ओके, इसीलिए आर के अकाउंट को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करेंगे तो कोई भी एसेट जब रिड्यूस होती है क्रेडिट होती है। ऐसे ही परचेस रिटर्न की एंट्री देख लेते हैं बच्चों। परचेस रिटर्न की एंट्री क्या होती है? अब हमने कहीं से सामान खरीदा था और हम उसमें से कुछ रिटर्न कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, या तो गुड्स डिफेक्टिव हैं, डैमेज हैं, या एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो हमने देखा था कि परचेस को हम नॉर्मली डेबिट ही करते हैं, क्रेडिट एक्सेप्शनल केसेस में आता है। या परचेज नहीं लिखेंगे, परचेजेस रिटर्न लिखेंगे और उसे क्रेडिट करेंगे। और जिसको भी दे रहे हैं, लेट्स से हमने एक्स से गुड्स परचेज किए थे, तो वो हमारा क्या था? क्रेडिटर था। क्रेडिटर रिड्यूस हो रहा है तो एक्स अकाउंट को मैं डेबिट करूंगी और क्रेडिट साइड में मैं क्या लिखूंगी? परचेस रिटर्न। ओके, तो इस तरीके से रिटर्न की एंट्रीज पास होती है। याद रखना, जनरली परचेज इज डेबिटेड एंड परचेज रिटर्न इज क्रेडिटेड, जनरली सेल्स इज क्रेडिटेड एंड सेल्स रिटर्न इज डेबिटेड। इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि सेल्स क्या होता है क्रेडिट, सेल्स का उल्टा क्या हो गया? डेबिट में चला जाएगा सेल्स रिटर्न। ऐसे ही जनरली, जनरली वर्ड पे मैं फोकस कर रही हूँ, एम्फसाइज कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेप्शनल केसेस में परचेज क्रेडिट भी होती है। तो आपको ये देखना है कि जनरली तो परचेज क्या है? डेबिट होती है। जब भी हम कैश परचेजेस करेंगे या क्रेडिट परचेजेस करेंगे वो डेबिट होती है, लेकिन इन केस ऑफ रिटर्न ये परचेज रिटर्न क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। चलिए, सो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं स्टूडेंट। तो आप इसे अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे। अपकमिंग क्लासेस में मैं आपको एक्सपेंसेस रिलेटेड एंट्री सिखाने वाली हूँ, रेवेन्यू रिलेटेड एंट्री सिखाने वाली हूँ, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करने वाले हैं इन द कमिंग क्लासेस। तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलिए। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस चल रहे हैं जहाँ पे काफी डिस्काउंट भी है, एंड क्लास 11 के लिए इनफैक्ट मैं लाइव क्लासेस भी ले रही हूँ। तो इनकेस आप मेरे से लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लास 11 के लिए लाइव क्लासेस आर अवेलेबल ऑन अवर ऐप। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।